हेलो, मेरा नाम है गौरव तिवारी और आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पहुंचकर आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, न सिर्फ आपके तन को बल्कि आत्मा, शरीर और मन को भी शांति मिलेगी और बहुत सारे फायदे। आप मेरी आवाज इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर से एक ऐसी चीज खत्म करना चाहते हैं जिसके सहारे शायद आप जी रहे हो। आपकी सिगरेट पीने की आदत, आपके हाथ में सिगरेट पकड़ने की आदत, आपको धुआं उड़ाने की आदत, ये सारी आदतें आज आप अपने अंदर से निकालने जा रहे हैं जिससे आपके शरीर को, आपकी आत्मा को और आपके मन को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले किसी शांत जगह पे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें और अपने पैरों को रिलैक्स होने दें। मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें खुली रखें और अपने सामने की किसी भी दीवार पर कोई भी बिंदु, कोई भी चिन्ह, कोई भी सिंबल ऐसा ढूंढे जिस पे आप पूरी तरह से अपनी आंखों को टिका पाए, फोकस कर पाए। अगर आपने वो बिंदु, वो चिन्ह या वो पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज ढूंढ ली है अपनी आंखों के सामने जिस पर आप अपनी आंखें पूरी तरह से टिका पाए, तो मैं चाहता हूं आप अपना पूरा ध्यान उस चीज पर, उस चिन्ह पर या उस स्पॉट पर पूरा ध्यान लगाएं। आप जितना इस बिंदु पे ध्यान लगाएंगे आप पाएंगे कि आपका शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे ये बिंदु बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शार्प दिखने लगेगा या फिर बहुत ही धुंधला, या हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि एक नहीं बल्कि दो है। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी आंखों को उस बिंदु पे टिकाए रखें और सिर्फ उसी पे फोकस करें। मैं चाहता हूं आप उस बिंदु पर अपनी नजर टिकाए हुए अपने आसपास के सभी आवाजों पे ध्यान दें। आपके आसपास में जितने भी साउंड्स हैं, शायद लोगों के बोलने की आवाज, शायद बच्चों के खेलने की आवाज या रोड पे जा रही गाड़ियों की आवाज या आपके कमरे में किसी मौजूद व्यक्ति की आवाज, पंखे की आवाज, आप जितना ध्यान देंगे अपनी नजरें इस बिंदु पे टिकाए हुए आप उतनी ज्यादा आवाजें अपनी आसपास सुन सकते हैं। लेकिन ये आवाजें आपको और भी रिलैक्स करेंगी क्योंकि आपका काम सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना है। आप बाहर की जितनी आवाजें सुनेंगे उतनी ज्यादा क्लियरली, उतनी ज्यादा साफ आप मेरी आवाज को सुन पाएंगे जो आपके दिमाग में एक छवि छोड़ जाएगी, जो आपके दिमाग में एक इको की तरह गूंजेगी। मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान उस बिंदु पर टिकाए हुए रखें और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं। मैं चाहता हूं आप एक गहरी सांस अंदर लें और अपने मुंह के द्वारा उसे बाहर निकाल दें। वेरी नाइस। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है और आपकी आंखों में पानी आ रहा है। आपकी आंखें इतना ज्यादा तनाव महसूस कर रही हैं कि जैसे कि वो बंद हो जाएंगी। इससे पहले कि आप आंखें बंद करें,
मैं चाहता हूं आप एक गहरी सांस अंदर लें और उसे 3 गिनने तक रोक कर रखें और उसे मुंह के द्वारा बाहर निकालें। जब आप सांस बाहर कर रहे होंगे तब आप अपनी आंखें बंद कर लें। वेरी गुड, रिलैक्स। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी आंखें कहीं नीचे की ओर डूबती जा रही हैं और भारी होके रिलैक्सेशन की दुनिया में धीरे धीरे तैरती जा रही हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी आंखों का रिलैक्सेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। और जब भी आपकी आंखें बंद हो रही हैं, जब भी आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो मेरी आवाज सुनकर ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये रिलैक्सेशन की लहर तैरते हुए आपकी आंखों से पीछे से आपके नाक में होते हुए आपके पूरे सर में घूम रही है। मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान अपने सर के ऊपर दें, अपने बालों के नीचे। आपके पूरे सर में धीरे धीरे ये एनर्जी तैरती हुई आपके सर के बालों को और स्काल्प को रिलैक्स कर रही है। ध्यान दे कि एनर्जी किस तरह से धीरे धीरे नीचे की ओर आपके गालों में जा रही है। आपके गाल के हर एक मसल को लूज, लिम्प एंड रिलैक्स करते हुए। बहुत अच्छा। आप महसूस करेंगे कि आपकी गाल की त्वचा ढाल होके नीचे की ओर जा रहे हैं और भी ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं और ये एनर्जी तैरते हुए नीचे की ओर आपके गले से होते हुए आपके कंधों को रिलैक्स कर रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कंधे नीचे जा रहे हैं। जितने ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, आपके कंधे भारी होके नीचे जा रहे हैं और नीचे। मैं चाहता हूँ आप अपने दोनों हाथों पे ध्यान दें, बंद आँखों से, कि आपके दोनों हाथ पहले से कितने ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं और भी ज़्यादा रिलैक्स। मैं चाहता हूं आप अपनी मन की शक्ति यूज करके अपनी बॉडी को, अपने तन को और भी ज्यादा रिलैक्स करें। अपने शरीर के हर एक पार्ट्स पे ध्यान दें अपनी बंद आंखों से, कि किस तरह से शरीर के हर एक पार्ट धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं और भारी हो रहे हैं, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मन की आंखों से अपनी सांसों पर फोकस करें और देखें कि आपकी सांसें कैसे धीरे धीरे स्लो हो रही है। वेरी नाइस। आपकी सांसें इतनी धीमी चल रही है जैसे कि आप गहरी नींद में सोए हों। आपकी सांसें इतनी धीरे चल रही है कि आपकी सांसों से कोई पंख भी ना उड़ पाए। इतनी धीमी सांसें, जैसे आप गहरी नींद में सपनों की दुनिया में तैर रहे हो। मैं चाहता हूं आप अपने हार्ट बीट पे ध्यान दें और महसूस करें कि आपकी दिल की धड़कनें भी इतनी सॉफ्टली और स्टीडली चल रही है जैसे कोई अच्छी मशीन बिना किसी प्रॉब्लम के सॉफ्टली, जेंटली, स्वीटली। आपके सर से लेकर पैर तक इतना आराम मिल चुका है, इतना ज्यादा आराम, जैसे आपको लग रहा हो आप गहरी नींद में सो रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप इतना रिलैक्स करें जितने आप पहले कभी नहीं हुए हो, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं आज आप इतने रिलैक्स हो जाएं जितना आप पहले कभी नहीं हुए हो। और ये आप कर सकते हैं अपनी मन की शक्ति से। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से मालूम है कि आप किस तरह से बैठे या लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर को, आपकी आंखों को इतना आराम मिल चुका है कि वो चाहकर भी
हिलना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको अपने शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स करना है। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा और हर एक गिनती पे आप अपनी मन की शक्ति से महसूस करें कि हर एक गिनती पर आपका शरीर पहले से और ज्यादा रिलैक्स्ड और ज्यादा रिलैक्स्ड और हेवी हो रहा है। 5 और रिलैक्स्ड, 4 नीचे और रिलैक्स्ड, 3 2 आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और रिलैक्स्ड, 1 आपका शरीर पहले से 50 गुना ज्यादा रिलैक्स हो चुका है और बहुत ही शांत हो चुका है। मैं चाहता हूं आप अपनी मन की शक्ति से महसूस करें कि आपके दोनों हाथ कितने ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, और मेरे 5 से 1 गिनने पे हर एक गिनती पे आपके दोनों हाथ पहले से और ज्यादा रिलैक्स और भी ज्यादा भारी और भी ज्यादा बेजान हो जाएंगे। पांच, आपके हाथ बहुत ही भारी हो गए। 4, हाथ और भी ज्यादा रिलैक्स और भी ज्यादा भारी होके नीचे लटक रहे हैं। 3 2 आपके हाथ बहुत ही ज्यादा भारी और रिलैक्स्ड और बेजान हो चुके हैं। 1, आपके हाथ इतने ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं कि आप चाहकर भी इन्हें नहीं उठा पाएंगे। आप जितना ही ज्यादा अपने हाथ को उठाने की कोशिश करेंगे, आपके दोनों हाथ उतने ही ज्यादा बेजान, हैवी और रिलैक्स होते जाएंगे। आप अपना हाथ उठाने की कोशिश अब छोड़कर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने पे ध्यान दें। आपके हाथ इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। मैं चाहता हूं मन की शक्ति से ये रिलैक्सेशन की फीलिंग अपने पूरे शरीर में दौड़ाएं। आप जितनी बार सांस अंदर लेंगे, ये रिलैक्सेशन की फीलिंग आपकी आंखों से होते हुए आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे फैलती रहेगी। अपनी हर एक सांस के साथ अपने शरीर के उस पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाकर उस पार्ट को और भी रिलैक्स कर दीजिए। अपने शरीर के किसी भी टेंशन या स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए। शरीर में कहीं भी कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई पीड़ा हो, मैं चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आप जब भी सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन की एक परत उस पीड़ा, उस स्ट्रेस, उस टेंशन पे आकर उसे अपने साथ समेटते हुए आपकी सांस के साथ आपके मुंह के बाहर आ रही है। जितने बार भी आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस कीजिए वो पीड़ा, वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपके शरीर से दूर हो रहा है आपकी सांसों के साथ। मुंह खोलकर सांस बाहर छोड़िए और भी रिलैक्स कीजिए बॉडी को। कुछ ही पल में मैं चाहता हूं आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाए, इतनी ज्यादा रिलैक्स कि जैसे आपको लगने लगे आपकी बॉडी, आपका शरीर या तो हवा में तैर रहा है या फिर किसी बड़े से सफेद पंख के बने हुए गद्दे में धीरे धीरे नीचे जा रहा है। धीरे धीरे आपको अपने शरीर में एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी। उस वाइब्रेशन के साथ आप महसूस करेंगे कि या तो आप हवा में तैर रहे हैं या फिर किसी मोटे से गद्दे में धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं, जिससे आपका शरीर और भी हल्का, और भी सुंदर, और भी रिलैक्स्ड हो रहा है।
आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों इतने हल्के हो चुके हैं कि वो मेरी एक एक बात को गौर से सुनेंगे, एक एक बात को गौर से देखेंगे और महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मन की आंखों में एक ऐसी जगह देखें जहां पर आप बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल ही हेल्दी और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकता है, या कोई गुरुद्वारा, या कोई पार्क, कोई खेत, कोई पहाड़, या कोई समंदर। ये कोई भी जगह हो सकती है जहां पर आप अकेले होने के बावजूद बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं आप अपने मन की शक्ति को यूज करें, अपने इमेजिनेशन की शक्ति को, अपने काल्पनिक शक्ति को यूज करें और देखें ये जगह कैसी हो सकती है। कितनी खूबसूरत जगह होगी वो, जहां पे आप बिल्कुल खुश, बिल्कुल जवान और बिल्कुल फ्रेश महसूस करें। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा आपके पूरे शरीर को एक झिनझिनाहट दे दे। जहां का नीला आसमान और उसके सफेद बादल आपके सारे दर्द को, आपके सारे टेंशन को आपसे दूर आसमान में उन छोटे बादलों की तरह तैरते तैरते आपकी आंखों से ओझल करते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी मन की शक्ति से अपने शरीर की सारी पीड़ा, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन एक छोटे से बादल की तरह उस नीले आसमान में प्रोजेक्ट करें। देखिए कैसे आपके सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन और सारी पीड़ा, सारा दर्द एक बादल की तरह आसमान में तैरते हुए धीरे धीरे दूर जा रहा है और धीरे धीरे छोटा होते हुए आपकी आंखों से ओझल हो जा रहा है। आपका शरीर पहले से और भी ज्यादा हेल्दी लग रहा है और बिल्कुल ही फ्रेश, जैसे सावन के महीने में हरी हरी फ्रेश घास उगती है मैदानों में, जो आपकी आंखों को ठंडक देती है, या फिर एक फ्रेश फ्रूट की तरह जो देखने में इतना चमकीला, इतना सुंदर और इतना डिजर्विंग लगता है। मैं चाहता हूं आप अपने शरीर को देखें अपनी मन की आंखों में कि आपका पूरा शरीर कितना स्वस्थ लग रहा है, कितना चमक रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने मन के अंदर से अपने शरीर के अंदर झांकें, जो कितना गंदा हो चुका है आपकी उस आदत से जिसने आपको लाचार कर रखा है, जो आपके पैसे बर्बाद करता है। अगर आपको अभी सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है तो मैं चाहता हूं कि आप एक अपने हाथ में अपने आप को सिगरेट जलाते हुए देखें, जो भी आपकी फेवरेट ब्रांड हो। कितना अच्छा लगता है ना जब सिगरेट का धुआं धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक, और वहां से उसका निकोटिन एक काले तार की तरह हमारे गुलाबी फेफड़ों को धीरे धीरे काला करते जाता है। एक के बाद एक सिगरेट और उतना ही तार, उतना ही कालापन, उतनी ही गंदगी हमारे सुंदर स्वस्थ शरीर को अंदर से धीरे धीरे जंग लगाता है।
आप अपने शरीर को अंदर से देखिए और सोचिए आप जितना सिगरेट पीते हैं। मैं चाहता हूं आप जितने भी सिगरेट पीते हैं, इमेजिन करें कि उसका तार, उसका धुआं आपके फेफड़ों को किस तरह से जकड़ रखा है। जब आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं सड़क की मरम्मत हो रही होती है, खूब सारा काला तार रोड पे बिछा होता है और काला धुआं जो उसके भट्टी से आ रहा होता है आपकी नाक को या आपके मूड को कितना बर्बाद कर देता है, आपको कितना बुरा लगता है। आप आपका शरीर नहीं है, आप अपनी आत्मा है जो इस शरीर के अंदर रहती है। मैं चाहता हूं आप अपनी आत्मा से अपने शरीर के अंदर देखें कि जहां आप रहते हैं वहां चारों तरफ रोड के मरम्मत का काला तार बिछा हुआ है जो कि आपने बिछाया है हर एक बार सिगरेट पीने से। मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि उसका धुआं, उसका कालापन, आपके चारों तरफ गंदगी जो धीरे धीरे आपके बाहर के शरीर को भी गंदा कर रहा है। अपनी मन की शक्ति यूज करके आप इसको बदल सकते हैं, उसे इतना ही सुंदर बना सकते हैं जितनी आपने बाहर की दुनिया सुंदर देखी है और जहां प्यारा आप हैं अभी वो सुंदर दुनिया जहां पे सब कुछ फ्रेश दिखता है, चमकीला दिखता है, सुंदर दिखता है और रंगीन दिखता है। और जब आप आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर देखती है तो आपको सब कुछ काला नजर आता है। इस धुएं में आपकी आत्मा का दम घुट रहा है। मैं चाहता हूं आप अपनी मन की शक्ति यूज करके अपने हाथ से इस कालेपन को धीरे धीरे दूर करें। महसूस करें कि आपके हाथ में इसे साफ करने के लिए एक ब्रश आपके पास है। आप इस ब्रश को जहां लगाएंगे आप इस मोटे तार को कुरेद कर वहां से हमेशा के लिए बहा सकते हैं और अंदर की दुनिया फिर से उतनी ही खूबसूरत लगेगी जितनी आपकी बाहर की दुनिया है। मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप अपने फेफड़ों की सफाई शुरू करें। महसूस करें कि आप एक सूक्ष्म रूप में, एक टाइनी फॉर्म में अपने शरीर के अंदर, अपनी लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर एक ब्रश से सारा कालापन धीरे धीरे कुरेद कर साफ कर रहे हैं। और जहां भी आप ब्रश लगा रहे हैं आप महसूस कर रहे हैं कि वहां का कालापन नीचे गिरकर गायब हो रहा है और उस जगह पे आपको फिर से वो रंगीन कलर, वो ब्राइट कलर, वो ब्राइट रंग, वो चमकीला रंग नजर आ रहा है जो कि आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य की निशानी है। धीरे धीरे पूरा फेफड़ा साफ होना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। महसूस करें कि जब भी आप ब्रश चला रहे हैं तो वो जगह कितनी खूबसूरत हो रही है। आपके फेफड़े का रंग धीरे धीरे बदल कर गुलाबी हो रहा है, काले से गुलाबी, और आपको अपने शरीर के अंदर एक रोशनी सी महसूस हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अंधेरी गुफा में एक बहुत ही ब्राइट रोशनी जला दी हो। धीरे धीरे आपके लंग्स चमक रहे हैं और भी गुलाबी नजर आ रहे हैं और आपको अपने शरीर के अंदर एक उजाला सा नजर आ रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी सांसें पहले से कितनी ज्यादा साफ चल रही हैं। आपकी सांस लेने में कोई रुकावट नहीं आ रही है। जब भी आप सांस अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन की ठंडी लहर आपके सीने में जाके आपके फेफड़ों को और मजबूत कर रही है, और भी सुंदर बना रही है, और भी स्वस्थ बना रही है।
आपको महसूस हो रहा है आपके फेफड़ों के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे गायब हो रहा है और पूरी तरफ एक ब्राइट रोशनी फैल गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आपके बाहर की दुनिया में है, खूबसूरत और रंगीन। मैं चाहता हूं आप अपनी बाहर की दुनिया में झांके और देखिए कि आपके हाथ में सिगरेट है, और जैसे ही आप सिगरेट को देखेंगे आपको लगेगा कि आप अपनी अंदर की दुनिया को फिर से गंदा कर रहे हैं। आपके फेफड़ों में खुजली सी होने लगेगी और आपको सिगरेट से नफरत होने लगेगी, बिल्कुल उसी तार की तरह जो रोड बनाने में, रोड की मरम्मत करने में बिछा रहता है, चिपचिपा सा। आप जब भी सिगरेट देखेंगे आपकी आत्मा आपको मना करेगी सिगरेट पीने से। आप जब भी सिगरेट देखेंगे अपने हाथों में आप ये समझेंगे कि आप अपनी अंदर की दुनिया को गंदा करने की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। आप एक खूबसूरत दुनिया उजाड़ने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दुनिया जैसे कि कभी आपने अपनी दुनिया बसाई थी, या फिर आप इस सपने में अपनी दुनिया देख रहे हैं। जब भी आप सिगरेट देखेंगे आपको अपने आप से नफरत होगी। मैं चाहता हूं आप अपने आप को बिल्कुल उसी तरह देखें जब आप सिगरेट पीने के पहले थे। मैं चाहता हूं आप उस दिन को याद करें जब पहली बार आपने सिगरेट हाथ में पकड़ी थी। मैं चाहता हूं मेरे 3 से गिनने पे आप उस समय का वक्त देखें जब आपको सिगरेट पीने वालों से नफरत थी, या आप सिगरेट पीना नहीं चाहते थे, या आप सिगरेट नहीं पीते थे। 3 पीछे 2 और नीचे 1 और नीचे। मैं चाहता हूं आप अपने आप को पूरी तरह से देखें जब आप सिगरेट नहीं पीते थे। आपके अंदर एक पावर है कि आप अपने अंदर झांककर अपनी आत्मा के सहारे अपनी अंदर की दुनिया देख सकते हैं, अपने अंदर का शरीर देख सकते हैं। महसूस करें कि उस समय आपका शरीर अंदर से कितना खूबसूरत था। आज के बाद से आप फिर से वैसा ही महसूस करेंगे जैसा आप महसूस करते थे जब आप सिगरेट नहीं पीते थे, सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते थे। और जितनी बार आप सिगरेट देखेंगे आपको सिगरेट से नफरत होगी। आपको पता होगा कि आपके अंदर की दुनिया को गंदा करने का एक जरिया है। आपको पता होगा कि आपको खुद की आत्मा से निजात कराने का एक जरिया है। आपको सिगरेट से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 से 1 गिनने पे आप ऐसा महसूस करें कि आपको सिगरेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक खूबसूरत शरीर है जो बाहर से भी खूबसूरत है और अंदर से भी। और जितनी बार आप सिगरेट पियेंगे आपको ये याद आएगा कि जितनी गंदी आप अपनी अंदर की दुनिया कर रहे हैं, आपकी बाहर की दुनिया, आपका शरीर धीरे धीरे उतना ही गंदा हो रहा है। मैं चाहता हूं जब भी आप सिगरेट देखेंगे तो आप अपना बिगड़ता हुआ रंग रूप, चेहरा और शरीर याद रखेंगे। जितनी बार आप सिगरेट देखेंगे आपको इच्छा होगी कि आप पानी पिएं, और जब भी आप पानी पिएंगे आपके सिगरेट पीने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब भी आप पानी पिएंगे आपकी सिगरेट पीने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और फिर से आपको लगेगा कि पानी धीरे धीरे तैरते हुए आपके फेफड़ों को, आपके अंदर के शरीर को फिर से स्वस्थ कर रहा है, और इसे किसी भी सिगरेट की, किसी भी तार की जरूरत नहीं है। 10, आप बहुत ही खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। 9, आप बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। 8, आपको सिगरेट पीने की इच्छा आज के बाद से बिल्कुल नहीं होगी।
साथ आप कभी भी सिगरेट नहीं पिएंगे। 6, आप पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं। 5, आप पहले से कॉन्फिडेंट हैं कि सिगरेट आपको पसंद नहीं है। 4, 3, 2, 1, आप पहले से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आप आज के बाद से किसी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। 5, जब भी आप सिगरेट देखेंगे आपको याद आएगा कि जितनी आपकी अंदर की दुनिया गंदी हो रही है, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपका अंग और आपकी पर्सनालिटी भी उतनी ही गंदी हो रही है। बिल्कुल उस रोड के तार, कोल तार की तरह, कोयले की तरह या काली की तरह। हर एक सिगरेट आपके शरीर पे उतनी ही काली पोतेगी जितनी आप अपने अंदर की शरीर पर पोत रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी आप सिगरेट देखें, मेरी आवाज और आपकी आवाज एक साथ आपके अनकॉन्शियस माइंड में गूंजे, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं। मेरे साथ दोहराएं अपने मन में, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं, मुझे सिगरेट की कोई 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 जरूरत नहीं। मेरे हाथ में सिगरेट अच्छा नहीं लगता है, मेरे हाथ में सिगरेट अच्छा नहीं लगता है, मेरे हाथ में सिगरेट अच्छी नहीं लगती। आप जितने बार इस ऑडियो को सुनेंगे आप उतने ज्यादा सिगरेट से दूर होते जाएंगे। उतना ज्यादा आपको पता होगा कि सिगरेट आपके लिए नहीं बनी। आप जितनी बार इस ऑडियो को सुनेंगे आपको पता होगा कि आपको सिगरेट की जरूरत नहीं। आपका निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय आपको हमेशा सिगरेट पीने से रोकेगा। और जब भी आप सिगरेट देखेंगे यही आवाज आपके मन में बार बार गूंजेगी, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे 1 से 10 गिनने पे आप अपनी आंखें खोलें और ऐसा महसूस करें कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने कभी सिगरेट पी ही नहीं है। आसपास सिगरेट पीने वाले लोगों से आपको कोई अफेक्ट नहीं होगा। आपके आसपास सिगरेट दिखने से भी आपका सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिसने कभी सिगरेट नहीं पी है और आपको सिगरेट की जरूरत नहीं है। 1, आपके पूरे शरीर में एक रोशनी सी फैली हुई है, एक स्वस्थ, रंगीन और ब्राइट रोशनी। 2, आपका शरीर पहले से बहुत ज्यादा हल्का और बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। 3, आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट्स कैसे आपके कंट्रोल में आ गए हैं। 4, आप अपनी आत्मा को अपने अंदर बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। 5, धीरे धीरे हाथों में जान आ रही है, पूरे शरीर में जान आ रही है। 6, आपके पूरे शरीर में जान आ गई है। 7, आपको महसूस हो रहा है आपका पूरा शरीर किसी होली वाटर से, किसी गंगा जल से या किसी बहुत ही चश्मे की पानी से, ठंडे पानी से धो दिया गया हो। 9, धीरे धीरे पूरे शरीर में रोशनी, स्वास्थ्य और कंट्रोल आ चुका है। 10, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिगरेट से नफरत करता है, जिसने कभी सिगरेट नहीं पी
और जिसे कभी सिगरेट अच्छी नहीं लगती है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और महसूस करें कि आपको कोई सिगरेट की जरूरत नहीं है।